बरसों पहले अपने अतीत को दफन कर दिया था मैंने, लेकिन वक्त के तूफान ने उस पर जमी परत को फिजा में बिखेर दिया है। फिर से दिखने लगा है मुझे मेरे अतीत का कंकाल। डर गया हूं मैं, डर चुका हूं मैं, क्योंकि मेरे अतीत का कंकाल डरा रहा है, मुझे कह रहा है कि छुप नहीं सकता मुझसे। एक भयानक सच की तरह मुझे झुंझोड़ रहा है वो बीते वर्षों की कीमत मांग रहा है मुझसे। बचाओ मुझे लंकेश, मदद मांग रहा है तुमसे लंकेश, मदद मांग रहा है तुमसे। दफन कर दो मेरे अतीत को, दफन कर दो इन रेत के जर्रों में कि वो कभी वापस ना आ सके। दफन कर दो कि बड़ा सा बड़ा भूचाल भी अगर आ जाए तो मेरे अतीत का सामना ना करना पड़े मुझे। दफन कर दो, क्योंकि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मुझे ही दफन कर देगा ये। हारना नहीं चाहता हूं मैं, चलकर बैठकर बातें करते हैं। हाँ, चलो, कुछ लड़कियां भी हैं वहाँ पे। चलो ना, आओ यहाँ बैठते हैं। क्यों? नजारा अच्छा है ना? अरे यार, इतने सालों बाद भी तू नहीं बदली। ग्रेटर सर को बदलना भी नहीं चाहिए। तुम भी कहाँ बदले हो? बस डब्बे में से थोड़ी सी हवा कम हो गई है। यार वो कहते हैं ना कि वक्त ने हवा निकाल दी गालिब, वरना डिब्बे थे हम भी किसी काम के। पता है डिब्बे, मुझे तुमसे आज मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कॉलेज का वो सारा जमाना वापस आ गया। क्यों? वैसे ए मोहतरमा, मेरा नाम डिब्बा नहीं, राहुल है। राहुल यार, यहाँ तो मेरी इज्जत रख लेना यार तू। ये सिलसिला तुमने ही शुरू किया था, पहले तुम मुझे सोनिया बुलाओ, फिर मैं तुम्हें डिब्बा नहीं राहुल बुलाऊंगी। ओके यार, ओके मिस सोनिया। नहीं यार नहीं, क्या है कि इसमें मजा ही नहीं है, तो मेरे लिए चिकलेट ही है चिकलेट। ठीक है, तो फिर तुम मेरे लिए डिब्बा हो डिब्बा। अच्छा यार ओके। अच्छा तू ये बता, तू आजकल कर क्या रही है? मैं यहाँ केके इंटरनेशनल में जीएम। अच्छा व्हाट, केके इंटरनेशनल में जीएम है? यार तू क्यों मजाक कर रही है, सच से बोलना। क्यों, यकीन नहीं आता? यार आई एम सॉरी टू से दैट, आई कांट बिलीव इट। ठीक है, तो मत मानो, मैंने तुमसे कहा मानने के लिए।
अच्छा ना यार तू माइंड कर गई। अरे यार तू माइंड नहीं कर, मान लिया मैंने। अच्छा ये बताओ सुनीता कैसी है? इंतजार कर रही है। क्यों, तुम दोनों की शादी नहीं हुई? शादी शादी कहाँ से करूंगा यार, कोई रोकड़ा शोकड़ा पैसा वैसा होगा तो शादी करूंगा ना। उस बेवकूफ को इतना समझाया यार कि कोई कमाऊ लड़के को देखकर शादी कर ले, मानते ही नहीं है। वो तो कहती है कि शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे करेगी। अब तू ही बता चिकलेट, हिंदुस्तान में रहकर इतना पैसा तो मैं कमा नहीं सकता था कि उसे खुश रखने के लिए मैं उससे शादी कर सकूं। तो सोचा चलो दुबई चलो, सो आई एम हियर। तुम यहाँ किसी के वीजे पर आए? नहीं यार, ट्रांजिट वीजे पे आया हूँ और आजकल नौकरी ढूंढ रहा हूँ। नौकरी तो नहीं मिली, तू मिल गई। यार भगवान से जो मांगो वो तो देता नहीं है और जो नहीं मांगो वो दे देता है। ऐसा नहीं है, भगवान अपने भक्त को वही देता है जो वो चाहता है। अरे यार क्या दिया यार, अब देखना ट्रांजिट वीजे में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और इस 2 दिन में क्या होना है यार। ऐसा नहीं है, तुम्हें नौकरी चाहिए ना, सोचो तुम्हें नौकरी मिल गई। व्हाट, क्या मतलब? तुम्हें नौकरी की जरूरत है और मेरे एक दोस्त को एक पर्सनल असिस्टेंट की, तो मामला फिट है। यार ग्रेट यार, यार चिकलेट अगर ऐसा हो जाए तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। सुनो आखिर दोस्त होते किसी हैं? ओह गॉड, क्या हुआ यार, मैं तो अपनी फाइल ही भूल गया वहां पर। भैया पता है मुझे कौन मिला था? कौन मिला? गेस कीजिए। बताना भी कौन? राहुल भैया, राहुल। वो डिब्बा? ये डिब्बा कौन है मुझे बताओ। एक मिनट, कहाँ मिला था? मैं कल वॉक के लिए गई थी ना, बस वहीं मिल गया। ये क्या, यहाँ दुबई में क्या कर रहा है वो? नौकरी की तलाश में आया है, मैं सोचती हूँ उसे कपिल के यहाँ लगा दूँ। अच्छा किया, किसी दिन उसको घर पर लेकर आना। हाँ, अरे भाई ये डिब्बा कौन है मुझे भी तो बताओ। भाभी ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो जरूर अच्छा होगा। मिलाऊंगी, मस्करा है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। गुड गुड, वेरी गुड। अब हम लोग जल्दी से लिस्ट बनाएं। अरे बाप, मैं तो भूल ही गई थी। सो द वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस कपूर। लिस्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखूं? मैं बताता। नहीं मैं बताती हूँ, सबसे पहले निशि मल्होत्रा, उसके बाद कपिल मेहरा, और सुमन। जी हर साल हम अपनी सालगिरह धूमधाम से मनाते हैं। सो तो है, इस बार क्यों ना हम एकांत में मनाएं, सिर्फ तुम और मैं। वाओ हाउ रोमांटिक, मैं तो कहती हूँ भाभी यही ठीक रहेगा। क्यों शिदीर के? सच भाभी, भीड़ भाड़ में तो सारा वक्त मिलने मिलाने में चला जाएगा। क्यों भैया? सोच लो लोगों को बुरा ना लग जाए। अरे बुरा तो तब लगेगा जब एक को बुलाएंगे और बाकी को नहीं बुलाएंगे। हाँ भाभी यही ठीक रहेगा, एकांत, अकेलापन, तन्हाई, और तन्हाई में हम और तुम, हम और तुम और हम। प्यार को मेरी भी नजर नहीं लगी।
मैडम। आपको देखकर लगता है कि मैं आपको कहीं मिल चुका हूं। ये दुनिया बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं मुलाकात हुई होगी। ऑफ कोर्स, शायद इस वॉक पर या किसी नाम नो आई थिंक वी हैव मेट इन सम ऑफिस, किसी ऑफिस में 2-3 महीने पहले। आप किसी ऑफिस में? शायद आपने शायद मुझे केके इंटरनेशनल में देखा होगा। केके इंटरनेशनल, ऑफ कोर्स। तो यू आर वर्किंग देयर, वंडरफुल। व्हाट डू यू वर्क देयर एज? नहीं, मैं फिलहाल वहां काम नहीं करती, अभी मैंने रिजाइन कर दिया है। I understand that. KK International से आपने रिजाइन किया, मैं समझ सकता हूँ। करण कपूर is terrible with women. वो औरतों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर सकता है। देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, बहुत गलत कह रहे हैं आप। करण कपूर को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो एक निहायत शरीफ इंसान है। और एक बात, किसी इंसान को बगैर जाने उस पर तहमत लगाना बहुत बुरी बात है, गलत। गुड आफ्टरनून मिस्टर लंकेश। गुड आफ्टरनून मिस्टर गौतम चड्ढा। जी नहीं, गौतम वर्मा। मिस्टर गौतम वर्मा, ऑफ कोर्स, माफ कीजिए। बाय द वे, आई एम इम्प्रेस्ड, आपने जिस खूबी के साथ जर्मन कंस्ट्रक्शन कंपनी के सारे टेंडर्स हमारे तक पहुंचाए, मुबारक हो। थैंक यू सर। बस आपका हाथ मेरे सर पर रहे, फिर देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया है। फोन कीजिए, काम हो जाएगा। मिस्टर वर्मा, केके इंटरनेशनल में 3 या 4 महीने पहले एक पीआरओ काम करती थी। आप निशि मल्होत्रा की बात तो नहीं कर रहे? मैं निशि मल्होत्रा की बात ही कर रहा हूँ। एक्सेलेंट। मैं जानना यह चाहता हूँ कि मिस निशि मल्होत्रा और मिस्टर करण कपूर के ताल्लुकात कैसे थे। सुना है वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इसके अलावा ही हमें सब कुछ पता करना है मिस्टर वर्मा, सब कुछ, और वो भी आज शाम होने के पहले। निशि जी, आपका चेक। आपने क्यों तकलीफ की गौतम जी, मैं किसी दिन ऑफिस आकर ले लेती। दरअसल काफी वक्त हो गया था और ऑडिट भी शुरू होने वाला है, मैंने सोचा आपको फुर्सत नहीं मिलती तो चलो मैं ही दे आता। दैट वाज रियली वेरी नाइस ऑफ यू। और सुनाइए, ऑफिस में सब लोग कैसे हैं? करण साहब कैसे? बस ठीक ही हैं। क्यों, क्या बात है? पता नहीं, जब से आप गई हैं तब से उनका काम में मन ही नहीं लगता। क्या मतलब? मेरा मतलब था कि 2-3 महीने से ऑफिस में सबसे बिगड़े बिगड़े रहते हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं और ऑफिस से घर भी काफी लेट जाते हैं। गौतम जी, आप चाय पिएगा? नहीं नहीं, इसकी तकलीफ मत कीजिए, सिर्फ थोड़ा पानी so much. अच्छा निशि जी, मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम भी है और ऑफिस भी जाना है। मुझे यकीन है मिस्टर लंकेश कि करण और निशि के बीच में कुछ है। कैसे बोल सकते हैं आप? मैंने निशि के लॉकेट में करण की तस्वीर देखी है।
not. What? No, baby, no, not now, no, baby. Doctor, please come back. मुझे तुमसे जुदा ना कर दे।